हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज ऊटी में हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन के लिए हमने क्या करा है, ऊटी से कुन्नूर जाने के लिए टॉय ट्रेन बुक की है। सो आज इस वीडियो में आपको ऊटी से कुन्नूर के लिए टॉय ट्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो बने रही हमारे साथ ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टॉय ट्रेन की बुकिंग कैसे करना है। सो टॉय ट्रेन की बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट से कर सकते हैं। मैंने भी IRCTC की वेबसाइट से की है तत्काल कोटे से एक दिन पहले। अगर आपको IRCTC से टिकट नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट स्टेशन से आके दो घंटे पहले आके यहाँ से भी विंडो से टिकट ले सकते हैं, और बाहर ही जैसे आपको कुछ एजेंट मिल जाएंगे वो भी टिकट दे देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो भैया, ये ऊटी की जो टॉय ट्रेन है वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित है, इसको इंडिया की हेरिटेज में सम्मिलित किया गया है। और ये ऊटी से कन्नूर ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes की जर्नी है। सो अभी टॉय ट्रेन आने वाली है, हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। सो एंजॉय करते हैं, आपको आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरा विजिट कराएंगे ऊटी से कन्नूर। हम लोगों की 12:15 की ट्रेन है और हम लोगों का 4 का रिटर्न है। सो गाइस, ये रहा यहाँ का छोटा सा प्लेटफॉर्म और ये आगे हमारी टॉय ट्रेन जो कि काफ़ी क्यूट है। ये इस टॉय ट्रेन का फर्स्ट क्लास कोच है और ये सेकंड क्लास कोच है। हम लोगों को सेकंड क्लास की टिकट मिली। अब बात कर लेते हैं गाइस टिकट कितने का है। सो ऊटी से कन्नूर का टिकट फर्स्ट क्लास का 350 है एंड सेकंड क्लास का 150 है। सो गाइस, इस प्यारे से सफ़र को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो टिकट मिली थी, दोनों को जो सीट मिली थी वो बहुत ही डिफरेंट उस पर मिली थी, आप देख सकते हैं। सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। ये टॉय ट्रेन 46 किलोमीटर की दूरी है ऊटी से कन्नूर की, और इसमें जो टनल्स हैं 16 टनल्स पड़ते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे साइट सीन्स हमको इस सफ़र में देखने को मिलते हैं। इसमें हम पाइन फॉरेस्ट भी देख लेते हैं और नीलगिरी माउंटेंस। नीलगिरी माउंटेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि नीले कलर के जो फूल होते हैं उनके कारण इसको नीलगिरी माउंटेंस बोलते हैं। और आई थिंक आप जब भी कन्नूर ऊटी का प्लान करें तो टॉय ट्रेन का सफ़र ज़रूर करें। इसमें आपको फ्रेश हवा मिलती है और काफ़ी अच्छे अच्छे साइट सीन देखने को मिल जाते हैं। पाइन फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है, ऊटी लेक देखने को मिल जाती है। आप पूरा सफ़र इस ट्रेन से कर सकते हैं और ये 1 hour का बहुत ही सुहावना सफ़र है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ बेसिकली 3 स्टेट्स को जोड़ती हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, ये देखो प्यारी सी टनल। ऐसी 16 टनल्स पड़ेंगी हमको पूरे सफ़र में। ऊटी और कन्नूर में काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि शाहरुख खान की दिल से मूवी का वो गाना है चल छैया छैया छैया, वो इसी टॉय ट्रेन पर फिल्माया गया है। और फाइनली हमारा फर्स्ट स्टॉप आ चुका है लवडेल। ये टॉय ट्रेन भारत की सबसे कम स्पीड में चलने वाली ट्रेन है और इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कम है। ये टॉय ट्रेन भाप के इंजन से चलती है और आपको पता है इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसका निर्माण 1854 में शुरू किया गया था और जुलाई 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये टॉय ट्रेन कभी भी खाली नहीं रहती, हमेशा फुल रहती है। आप आज भी देख सकते हैं कितनी ज़ोर से भरी हुई है और ये टनल के बीच में से गुजर रही है। बहुत ही प्यारी छोटी सी टनल है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और स्पेशली ऊटी टॉय ट्रेन के लिए ही आया जाता है। यहाँ पर आप आपकी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ वीडियो शूट कर सकते हैं, देख सकते हैं सभी के मोबाइल ऑन है, सभी बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। साइट सीन यहाँ के बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। ऊटी काफ़ी फेमस है, जैसे कि आपने कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, दीवाना दीवाना मूवी की शूटिंग पूरी ऊटी में हुई है और हम आपके हैं कौन उसकी शूटिंग भी ऊटी और कन्नूर में ही हुई है। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़, राज मूवी,
पहले मोस्टली मूवीज़ की शूटिंग शायद ऊटी और कुन्नूर में ही होती थी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं पेड़ कितने प्यारे प्यारे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी। ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। सो गाइस, आप लोग भी ऊटी आएँ तो इस ट्रेन को ज़रूर देखें, ज़रूर इसमें अपना सफ़र करें। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज आ गया है। छोटे छोटे से यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। एक टॉय ट्रेन शिमला से कालका के बीच में चलती है हिमाचल में, और एक टॉय ट्रेन ऊटी से कन्नूर के बीच में चलती है। Oh, 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 oh
सो गाइस, फाइनली हम कुन्नूर आ गए हैं। ये रहा कुन्नूर रेलवे स्टेशन। ये भी काफ़ी छोटा स्टेशन है। थोड़ा और डेवलप करना चाहिए इस स्टेशन को। काम चल रहा है शायद, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सफ़र था। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।